राजस्थान में जयपुर में घूसखोर अधिकारी का पर्दाफाश हुआ है। घूसखोरी से करोड़ों की संपत्ति जोड़ चुका ये अधिकारी राजस्थान सरकार के द्वारा सम्मानित भी हो चुका है। मशीन से नोटों की गिनती जारी है। आधे नोट गिने जा चुके हैं और आधे काउंटिंग के लिए कतार में हैं। आधी गिनती तक ही कार्टन फुल होने का संकेत दे रहा है और जब नोटों की गिनती पूरी हुई तो कैश का आंकड़ा 4 करोड़ पार कर गया। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये कैश जयपुर में सुरेंद्र राठौर नाम के अधिकारी के घर से बरामद हुआ, जो राजस्थान बायोफ्यूल प्राधिकरण का अधिकारी है। आरोप है कि बायोफ्यूल कारोबारियों से लाइसेंस नवीनीकरण के नाम पर सुरेंद्र लाखों रुपए की घूस लेता था। ऐसे ही एक कारोबारी से सुरेंद्र ने 5 लाख रुपए की घूस मांगी थी। कारोबारी जब सुरेंद्र को 5 लाख रुपए घूस दे रहा था तभी उसे ACB ने दबोच लिया। दफ्तर में सुरेंद्र की रिश्वतखोरी का पर्दाफाश हुआ तो एंटी करप्शन की टीम घर तक भी पहुंच गई और जब रेड पड़ी तो नोटों की गिनती के लिए मशीन मंगवाई गई। 4 करोड़ कैश के अलावा 2 मकान, 1 फार्म हाउस और 1 फ्लैट का पता चला। 4 लग्जरी कार और महंगी विदेशी शराब भी घर से बरामद हुई। घूसखोरी से करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर चुके सुरेंद्र के घर से बरामद हुई इन 2 तस्वीरों को देखिए। ये सुरेंद्र की योग्यता का प्रमाण पत्र है जो ग्रामीण विभाग में उसके प्रशंसनीय काम के लिए मिला है और दूसरी तस्वीर में सुरेंद्र राठौड़ CM अशोक गहलोत के साथ नजर आ रहा है, जो किसी सरकारी कार्यक्रम की भी हो सकती है। फिलहाल जांच जारी है। जयपुर से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।